अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स के। हमारे पास एट्रीब्यूट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जैसे कि आप लोग पहले जानते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स होती हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज़, करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ जो है इनको हम किससे शो करते हैं, आप लोगों को जैसे कि पहले भी पता है कि हम इसको ओवल सिंबल से शो करते हैं कि हमने एट्रीब्यूट लिखने हैं, तो उसको हम किस में लिखेंगे, ओवल सिंबल में राइट करेंगे। अब हमारे पास एट्रीब्यूट्स की टाइप कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हमारे पास है सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले जो है हम सिंपल एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल एट्रीब्यूट जो है वो हमारे पास क्या होते हैं। लाइक जिस तरह से आप लोगों के पास पर्सन एंटिटी है, ठीक है, और सिंपल एट्रीब्यूट आपके पास दिया हुआ है जेंडर। तो जेंडर जो है मतलब कि सिंपल एट्रीब्यूट का मतलब है कि जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एटॉमिक वैल्यू जिस तरह से होती है, यूनिक वैल्यू होती है कि वो पहले ही छोटी सी वैल्यू होती है, हम उसको मजीद किस तरह से और डिवाइड करेंगे, कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। तो जेंडर जो है हम इसको मजीद जो है डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सिंपल एट्रीब्यूट क्या होते हैं कि जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। अब कंपोजिट का क्या मतलब होता है कि आप लोगों ने जिस तरह से आप लोगों को पता है कि कंपोजिट जो है कोई चीज़ दो या दो से ज़्यादा से मिलकर बनी होती है तो कंपोजिट होती है, ठीक है। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे कि जिस ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों के पास एग्जांपल है एड्रेस की, ठीक है, एड्रेस जो है हम उसको मजीद हमने डिवाइड किया हुआ है किस में, स्ट्रीट में, ठीक है, आपकी स्ट्रीट कौन सी है, सिटी कौन सा है, कंट्री कौन सा है, तो एड्रेस जो है हमने उसको मजीद डिवाइड कर दिया तीन हिस्सों में, तो ये चीज़ हमारे पास किस में आ जाती है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स में। तो इस एग्जाम्पल में एड्रेस जो है वो आपके पास क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मतलब सिंगल वैल्यू तो मतलब है कि वो किस पे कंटेन होगी, ओनली सिंगल वैल्यू पे कंटेन होगी। जिस तरह से आपकी एज है, जेंडर है, एज है, अब जारी बात है एक इंसान की दो एज तो नहीं हो सकती ना, एक ही एज होती है, तो इसलिए हमारे पास किस में आती है, सिंगल वैल्यू में आती है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपके पास कौन से होते हैं, जारी बात है इसके नाम से जाहिर है कि मल्टी वैल्यूड है, तो ये कंटेन होगा टू और मोर वैल्यूज़ पे। जिस तरह से आपके पास एग्जांपल दिए हुए कि इम्प्लाई की स्किल्स जो हैं, मतलब वन पर्सन जो है उसकी मोर स्किल्स हो सकती हैं, ठीक है। अब जिस तरह से हमारे पास कॉलेज डिग्रीज हैं, तो एक पर्सन जो है उसके पास एक या एक से ज़्यादा डिग्रीज हो सकती हैं जी। अब हमने पढ़ने हैं स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स। तो स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होते हैं, जिस तरह से आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ जो हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं, ठीक है, हम उसको ऐसे ही चेंज नहीं कर लेते, मतलब कि आपने जो चीज़ डेटाबेस में स्टोर की है उसको हम तब्दील नहीं करेंगे, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्या होते हैं। जिस तरह जिसके नाम से जाहिर है कि डिराइव करना मतलब किसी चीज़ से किसी को कैलकुलेट करना, कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी। जिस तरह से सपोज दैट कि आपके पास डाटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर है, ठीक है, तो आपने कोई भी चीज़ वहाँ से फाइंड करनी है। जिस तरह से हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं, स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो फाइंड करना है, ड्राइव करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टूडेंट का डेटाबेस जो पड़ा है वहाँ से हम क्या है उसका मार्क्स और उसके ग्रेड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि सामने आपके एग्जाम्पल दी हुई है स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट का डाटा जो है रोल नंबर, उसका नेम और उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी कहाँ पे स्टोर है, डेटाबेस में स्टोर है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे हम जो है इसकी एज जो है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जिस तरह से आपको पता है कि हम जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, डॉटेड ओवल यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने एज को किस में लिखा। अब हमारे पास ये आइडेंटिफायर्स, ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं किसी इंस्टेंस को। आप लोगों को पता है कि इंस्टेंस क्या होते हैं, जिस तरह से कोई भी मेंबर है, ठीक है, आप लोगों की क्लास में जिस तरह जितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके पास इंस्टेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो अब जिस तरह से यहाँ पर आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो हर इंस्टेंस की क्या होती है, अलग अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि एक आईडी हो और वो दो लोगों को या तीन लोगों को जो है वो असाइन कर दी जाए। तो एम्प्लॉय आईडी जो है उससे हम यूनिकली जो है इंस्टेंस जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे जो है उसने एम्प्लॉय आईडी ली हुई है आइडेंटिफायर्स के तौर पे। अब एक बात आप लोगों ने याद रखी है, अगर आप लोगों को डायग्राम दी हो और उसमें से ढूंढना हो आप लोगों ने कि आइडेंटिफायर्स कौन से है, तो आप लोगों ने देखना है कि जहाँ पर क्या हो, ओवल सिंबल हो और इसके अंदर इस तरह से लाइन लगी हो, तो आप लोगों ने समझ आना है कि अब इसकी जो आइडेंटिफायर है वो, इसका आइडेंटिफायर है वो कौन सा है। आपके पास ये वाला आइडेंटिफायर है, जिस तरह से आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है
कि इम्प्लॉय आईडी जो है वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिफायर है, जो क्या कर रहा है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास होती है आइडेंटिफायर्स की टाइप्स, ठीक है। आइडेंटिफायर्स की टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास होती है यूनिक और एक हमारे पास क्या होती है नॉन यूनिक। अब यूनिक कौन सी होती है, जो सिर्फ फेक इंस्टेंस पे मुश्तमिल हो, ठीक है। जिस तरह से इम्प्लॉय आईडी है तो ये सिर्फ एक मेंबर की इम्प्लॉय आईडी हो सकती है, तो इसलिए हमारे पास ये किस में आ जाती है, यूनिक आइडेंटिफायर में आ जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया नॉन यूनिक, तो नॉन यूनिक में क्या चीज़ आ जाती है, डिपार्टमेंट। अब देखें डिपार्टमेंट में डिफरेंट इम्प्लॉयज़ जो हैं वर्क कर रहे होते हैं, आपकी फैकल्टी होती है, आपके स्टूडेंट्स होते हैं, तो डिफरेंट इम्प्लॉयज़ होते हैं, तो डिफरेंट जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ऑल इम्प्लॉयज़ जो हैं आपके डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं, तो इस तरह से। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिंपल आइडेंटिफायर और कंपोजिट आइडेंटिफायर। अब जिस तरह से आप लोगों ने पहले पढ़ा कि सिंपल एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, उसी तरह से हमारे पास आइडेंटिफायर है। सिंपल आइडेंटिफायर जो है इसको हम मजीद जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, मजीद डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपके पास सिंपल आइडेंटिफायर है, उसको हम नहीं डिवाइड करेंगे, और कंपोजिट आइडेंटिफायर जो है उसको हम आइडेंटिफायर कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो क्या होता है एंड, जिस तरह से आप लोगों को पता है कि हमने आज क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स पढ़े, आपके पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, सिंपल होते हैं, कंपोजिट होते हैं, ठीक है, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, जिस तरह से स्टोर्ड है, डिराइव्ड है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स आप लोगों ने पढ़े हैं। तो अब आप लोगों ने असाइनमेंट्स क्या बनानी है, इसमें आप लोगों ने इस तरह से करना है कि इसके जो डायग्राम्स हैं वो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से करनी है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है।